ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री में। आज केमिस्ट्री क्लास रखते हैं। लास्ट क्लास में हम मोल कंसेप्ट को हमने आगे पढ़ा और मोल कंसेप्ट के काफी सारे क्वेश्चंस किए। उसके बाद में मैंने आपको मोल कंसेप्ट के जो अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं उनमें जो मोल फ्रैक्शन होता है उसे पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया था। और मोल फ्रैक्शन के कुछ एक हमने चीजें सीखी। मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि कोई भी अगर मिक्सचर है या फिर सॉल्यूशन है तो उस मिक्सचर या सॉल्यूशन में अगर किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय जब हम मिक्सचर में या टोटल नंबर ऑफ मोल्स जब हम डिवाइड कर देते हैं तो उससे हमें मोल फ्रैक्शन आ जाते हैं। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के क्या करते हैं, ऊपर तो आ जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। इस तरीके से हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ जो मोल फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू आ जाती है। और मोल फ्रैक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, एक ये भी हमने देखा कि भाई मोल फ्रैक्शन के लिए जो जितने भी किसी भी मिक्सचर के अंदर टोटल जो नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन है उन सभी का समेशन जो है वो 1 के इक्वल आता है। तो यहां तक हमने मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, मोल के बारे में मैंने बता दिया, मोल फ्रैक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट जो फिजिकल टर्म है, जो कंसेंट्रेशन टर्म है, उसके बारे में समझते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम है मोलैरिटी। तो नेक्स्ट लेते हैं मोलैरिटी के बारे में, अपन समझते हैं क्या होती है मोलैरिटी। हिंदी में इसको बोलते हैं मोलरता, मोलरता। तो नेक्स्ट अपन लेते हैं मोलैरिटी के बारे में। तो मोलैरिटी क्या होती है इसे समझते हैं। देखो मोलैरिटी जो होती है वो होती है मोल पर लीटर। मोलैरिटी क्या होती है, ये होती है मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये जो कंसेंट्रेशन होती है कि एक सॉल्यूशन के पर लीटर में जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे विलयन के प्रति लीटर में, विलयन के प्रति लीटर में मोल। तो ये क्या होता है आपका, मोल पर लीटर होता है, मोलैरिटी होता है। इसे कैपिटल एम सिंबल से डिनोट किया जाता है, ठीक है, कैपिटल एम सिंबल से डिनोट करते हैं। और मोलैरिटी निकालने के लिए जो हमें फॉर्मूला काम में लेना होता है, जैसे अभी हमने परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ा तो ऊपर आता था सॉल्यूट के अमाउंट डिवाइडेड बाय नीचे क्या आता था पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर आता था सॉल्यूट नीचे आता था सॉल्यूशन इंटू 100 करते थे। तो उससे हमने स्टार्टिंग में निकाला परसेंटेज कंपोजिशन में वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट। तो इस तरह से कई तरह के परसेंटेज कंपोजिशन हमने निकाले। तो ऊपर हमेशा सॉल्यूट आता है, नीचे सॉल्यूशन आता है, अभी तक हम जैसा कि हम समझ रहे थे अलग अलग कंसेंट्रेशन टर्म्स में। तो यहाँ पे जब भी हमें कोई सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है तो ऊपर तो आ जाएगा, देखो मोलैरिटी है, मोल है, और नीचे क्या है, सॉल्यूशन का लीटर है, तो मोल पर लीटर आने वाला है। यानी कि इसकी यूनिट देखो क्या रहने वाली है, यूनिट से भी ध्यान में रखना, ये आता है मोल और नीचे आता है लीटर, तो ये आता है मोल पर लीटर। तो ऊपर तो मोल किसके आएंगे, ये आएंगे सॉल्यूट के मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ऊपर तो आते आने वाले हैं सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, और नीचे आने वाला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ऊपर तो आएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी किस में रखना है, लीटर में रखना है, ये भी बात हमें ध्यान में रखनी होती है। हिंदी में इसका डेफिनेशन हो जाएगा, हिंदी में हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएंगे विलेय के मोल और नीचे आ जाएगा विलयन का आयतन लीटर में, डिवाइडेड बाय आ जाएगा विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन किस में रखना है, लीटर में रखना है। और ऐसा करने से हमें क्या मिल जाएगा, मोलैरिटी मिल जाएगी। एक चीज का ध्यान रखें, यहाँ पे हमें 100 का मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना जो कि हम वहां पे करते थे परसेंटेज कंपोजिशन में। यहाँ पे परसेंटेज नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पे सीधा रेशियो ही निकाल रहे हैं। तो ऊपर तो आ जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस ऐसा करने से हमें क्या मिल जाएगा, मोलैरिटी मिल जाएगी, ठीक है।
अब जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है इसको देखो थोड़ा और अपन इलोबरेट कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर मोल निकालना है, मोल्स क्या होता है, गिवन वेट में जब हम क्या करते हैं, मोलर मास का डिवाइड कर देते हैं तो मोल्स आता है ना। जब गिवन वेट में मोलर मास का डिवाइड करते हैं तो उससे क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स आते हैं। तो मैं मोलैरिटी का एक फॉर्मूला ये भी लिख सकता हूँ, मोलैरिटी एम इज इक्वल टू, मैं नंबर ऑफ मोल्स की जगह लिख सकता हूँ गिवन वेट अपॉन मोलर मास। गिवन वेट किसका, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या हो जाएगा, वन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये वॉल्यूम सॉल्यूशन का किस में रहेगा, लीटर में रहेगा। तो ये एक फॉर्मूला पूरा बन जाता है, हमारा कंप्लीट फॉर्मूला बन जाता है। दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है छोटा सा, कुछ नहीं करना, मोल पर लीटर। आप ये बात भी अगर इतना सा ध्यान रखोगे तो भी आपको ये मोलैरिटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपके माइंड में क्लियर रहने वाला है। ठीक है, आपको बस मोल पर लीटर ध्यान रखना है। और इस मोल पर लीटर में जो ऊपर वाला मोल है ये तो है सॉल्यूट का, ये चीज ध्यान में रखना है, और नीचे वाला जो लीटर है किसका, ये सॉल्यूशन का है। बस इतना सा ध्यान रख लोगे तो ये इतने बड़े बड़े फॉर्मूले वगैरह दिमाग में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मोलैरिटी क्या है, मोल पर लीटर है, मोल किसके हैं, मोल है सॉल्यूट के, और वॉल्यूम किसका, लीटर नीचे जो है, जो लीटर क्या किसकी यूनिट होती है, लीटर, लीटर तो वॉल्यूम की यूनिट होती है। तो यहाँ पे जो नीचे लीटर है वो वॉल्यूम है किसका है, सॉल्यूशन का है। तो इस तरह से जब नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के उसमें डिवाइड कर देते हैं सॉल्यूशन के वॉल्यूम का तो हमें मिल जाती है मोलैरिटी। आई बात समझ में, फटाफट हम एक क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन से हमें और ज्यादा क्लैरिटी आएगी मोलैरिटी निकालने के लिए। जैसे मान लो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्वेश्चन है इफ इफ 80 ग्राम NaOH, अगर 80 ग्राम NaOH को हमने ऐड किया है, इफ 80 ग्राम NaOH इज एडेड इनटू वाटर वाटर टू प्रिपेयर 2 लीटर, या फिर 2 लीटर ना करके इसको लेते हैं, टू प्रिपेयर 500 ml सॉल्यूशन, 500 ml सॉल्यूशन, देन कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है। अगर 80 ग्राम NaOH को हमने किस में मिलाया है, वाटर में मिलाया है, जिससे हमें 500 ml सॉल्यूशन मिला है, तो उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी। हिंदी में मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, यदि 80 ग्राम NaOH पानी में मिलाकर 500 ml विलयन तैयार किया जाता है तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो। तो ये सवाल है कि विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। अगर 80 ग्राम NaOH को हम पानी में मिला के क्या कर रहे हैं, 500 ml सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, तो ठीक है, तो बताओ क्या आएगा आंसर। मैं ऑप्शंस दे देता हूं। आई एम गिविंग यू ऑप्शंस। ऑप्शन ए है 2 मोलरिटी, ऑप्शन बी है 0.5 मोलर, ऑप्शन सी है 4 मोलर, और ऑप्शन डी है कोई मान लीजिए 6 मोलर। बताओ क्या आंसर है इसका, ऑप्शन टिक करके बताइए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा ऑप्शन सही है, क्या आंसर आएगा इस केस में। अगर 80 ग्राम NaOH को, 80 ग्राम NaOH है, इसे ऐड किया किसी वाटर के अंदर और हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है 500 ml का, तो कैलकुलेट करो कि सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी।
तो 2 मोलर होगी, 0.5 मोलर होगी, 4 मोलर होगी और 6 मोलर होगी, बताओ क्या आंसर आएगा। जितेंद्र बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया, शाबाश। बाकी बच्चे भी बताइए क्या आंसर आएगा इसका। बाकी आंसर भी निकालिए। और किसी का आया आंसर? देखो समझिए आंसर कैसे निकालेंगे अपन, ध्यान से समझना इसका सॉल्यूशन। देवराज नहीं, 0.5 नहीं आएगा। देखो सॉल्यूशन समझिए, पहले तो देखो NaOH जो है, NaOH इसका मोलर मास देखो कितना होता है, क्योंकि देखो हमें मोलर मास चाहिए होगा सॉल्यूट का, क्योंकि अपन को नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। पहले तो अपन देखते हैं कि NaOH के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो NaOH का मोलर मास कितना है, देखो सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो 23 में मैंने 16 + 1 यानी कि 17 को ऐड किया, तो ये क्या आ जाएगा, 40 ग्राम आ जाएगा। ये किसका है, NaOH का मोलर मास आ गया। NaOH का मोलर मास कितना हो गया, 40 ग्राम हो गया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट मोलर मास होता है, आप याद रखना हमेशा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास 40 ग्राम होता है, याद रखें। अब नंबर ऑफ मोल्स देखें, नंबर ऑफ मोल्स किसके, NaOH के। तो NaOH के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, टोटल गिवन वेट कितना है, 80 है और मोलर मास अपना 40 है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 2 मोल हो गए सॉल्यूट के। तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने, अपने 2 मोल है। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 500 ml है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें, लीटर में लेना है, अपन को दे रखा है 500 ml। तो 500 में अपन क्या करेंगे, 1000 का डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, हाफ लीटर आ जाएगा। यानी कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है अपने पास, हाफ लीटर है। आई बात समझ में, सबसे पहली बात तो जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट कौन है, NaOH है। उस सॉल्यूट के हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। अगर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो क्या करना होगा, जो गिवन वेट होगा, गिवन वेट में हमें मोलर मास का डिवाइड करना होगा। गिवन वेट 80 ग्राम है, मोलर मास 40 ग्राम है, तो 80 में 40 का डिवाइड किया तो 2 मोल्स आ गए। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आ चुके हैं हमारे पास, हमें डिवाइड करना है सॉल्यूशन के वॉल्यूम का। अगर सॉल्यूशन के वॉल्यूम का डिवाइड करना है तो वॉल्यूम होना चाहिए लीटर में। अगर हमें 500 ml सॉल्यूशन दे रखा है, उसे लीटर में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड 500 ml विद 1000, बिकॉज वी नो 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। तो 500 ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग दे दिया, तो 500 ml अपॉन 1000 कितना हो गया, 1/2 लीटर हो गया। इस तरह से हमारे पास मोलैरिटी क्या आ जाएगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो कितने हो गए हमारे पास, 2 हो गए, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, हाफ लीटर हो गया। तो 2 ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, 4 ml हो जाएगी। आई बात समझ में, तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4 मोलर। तो हम ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है इसे बोलेंगे 4 मोलर एक्वस NaOH सॉल्यूशन। इसको क्या नाम देंगे, क्योंकि देखो सॉल्यूशन क्या है, इसको बोलेंगे 4 मोलर एक्वस एक्वस NaOH सॉल्यूशन, इसे ये नाम दिया जाएगा कि NaOH का 4 मोलर जलीय विलयन है। ये क्या हो गया, 4 मोलर NaOH का जलीय विलयन, ठीक है। मोलैरिटी को मोलर भी बोला जाता है, और मोलैरिटी के नाम से पता चलता है मोलैरिटी यानी कि मोल पर लीटर। और मोल ऊपर तो किसका है, सॉल्यूट का है, नीचे वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन का है लीटर में। चलो मैं एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस के तौर पे दे देता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाए। क्वेश्चन है कि इफ इफ अगर हम ऐड करते हैं, मान लो इफ 71 ग्राम HCl इज
या फिर 73 ग्राम ले लेते हैं, 73 ग्राम HCl इज एडेड इन वाटर टू प्रिपेयर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलैरिटी, कैलकुलेट मोलैरिटी। तो मोलैरिटी निकालनी है, अगर हम 73 ग्राम HCl को वाटर में ऐड करके 100 ml सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, हिंदी सिंपल सी है, अगर 73 ग्राम HCl को पानी में मिलाकर 100 ml विलयन बनाया जाता है तो उसकी मोलरता ज्ञात करो, उसकी मोलैरिटी निकालो, बताइए सॉल्यूशन इसका क्या होगा आंसर। मैं इस केस में भी ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन ए है 4 मोलर, ऑप्शन बी है 10 मोलर, ऑप्शन सी है 5 मोलर और ऑप्शन डी है 20 मोलर। बताओ क्या आंसर होगा इसका, अगर 73 ग्राम HCl को ऐड करके वाटर में 100 ml सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया जाता है तो उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी, बताइए। एकदम सही जितेंद्र, बहुत बढ़िया, शाबाश। बाकी बच्चे भी आंसर दीजिए। वैभव बिल्कुल सही, एकदम सही आंसर, बाकी भी दीजिए। स्टेप सिंपल से हैं, पहले तो आपको HCl का मोलर मास निकालना आना चाहिए, HCl का मोलर मास कितना, पहले तो आप ये निकालिए, तो HCl का मोलर मास कितना, ये हो जाएगा HCl, देखो HCl का पहले तो निकालेंगे मोलर मास, तो HCl हाइड्रोजन तो होता है 1 ग्राम और क्लोरीन का होता है 35.5, तो ये हो जाएगा 36.5 ग्राम हो जाएगा HCl का मोलर मास, हो गया। अब HCl के मोल्स निकालेंगे, मोल्स ऑफ HCl निकालेंगे तो HCl के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 73/36.5, भाई गिवन वेट अपॉन मोलर मास ही तो करते हैं, तो गिवन वेट में मोलर मास का डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 मोल आ जाएगा, तो HCl के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 2 मोल्स आ गए, आई बात समझ में, ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो वॉल्यूम देखना है सॉल्यूशन का लीटर में, तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना है, यहाँ पे 100 ml है, 100 ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए फिर 1000 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 1/10 लीटर, तो ये आ जाएगा लीटर में सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अब मोलैरिटी निकालनी है तो सीधा क्या करोगे, मोलैरिटी के लिए मोलैरिटी m इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के मोल्स है 2 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये हो जाएगा 1/10, तो 10 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 20 मोलर, तो ये आंसर हो जाएगा 20 मोलर सॉल्यूशन हमारा आंसर हो गया, आई बात समझ में। तो इस तरह से हम ऐसे सवाल कर सकते हैं, बहुत सिंपल सिंपल से सवाल दिए हैं, बहुत और भी थोड़े कॉम्प्लेक्स सवाल भी रहते हैं, लेकिन अभी क्या है कि मैं केवल बेसिक्स बता रहा हूँ क्योंकि अपन को बेसिक्स की जरूरत पड़ेगी, अभी मैं बहुत हाई लेवल के या फिर एडवांस लेवल के इसमें क्वेश्चंस इस पार्ट में नहीं ले रहा क्योंकि वो 11th क्लास का जो चैप्टर होता है फर्स्ट चैप्टर, उसमें हमें यही सब पढ़ना होता है, तो उसमें बहुत कुछ अपन पढ़ चुके होते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक थोड़ा बहुत बेसिक सवाल और भी ले लेते हैं इसमें, जैसे क्वेश्चन है कैलकुलेट ग्राम अमाउंट ऑफ NaOH इन इट्स 200 ml ऑफ 200 ml ऑफ
200 ml of 3 molar aqueous solution. ये एक छोटा सा थोड़ा और मैं अलग तरह का क्वेश्चन ले सकता हूँ इसमें कि हमें NaOH का ग्राम अमाउंट निकालना है इसके 3 molar aqueous solution का जो 200 ml है। मान लो एक सॉल्यूशन लिया हमने, जैसे मैं एक सॉल्यूशन ले रहा हूँ, कोई वाटर सॉल्यूशन है, मान लो NaOH का, जैसे NaOH का कोई वाटर सॉल्यूशन है, ऐसे ये कोई सॉल्यूशन ले लिया। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो है 200 ml, ये 200 ml सॉल्यूशन है, इसकी जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी है इसकी 3, ठीक है, और इसमें NaOH पड़ा हुआ है, NaOH इसमें हमें मिलाया है, यूनिफॉर्मली मिक्सड है, ये NaOH है मान लो। तो सवाल ये है कि इसमें NaOH कितने ग्राम है, ये जो सॉल्यूशन है ना उसमें NaOH के कितने ग्राम मौजूद है, ये इसका सवाल है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, कितने NaOH यहां पे मिक्स्ड है, इसमें कितने ग्राम NaOH इस सॉल्यूशन में होगा। वैभव बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया, शाबाश। यस, जितेंद्र बिल्कुल सही, 24 ग्राम, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिए सॉल्यूशन समझिए, सॉल्यूशन को समझिए जिनसे नहीं हो पाया। देखो मोलैरिटी होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम होता है। अब देखो अपन पहले तो निकालते हैं मोल, मोलैरिटी दे रखी है और वॉल्यूम भी दे रखा है सॉल्यूशन का, तो उससे अपन पहले निकालेंगे मोल। तो मोल कैसे आ जाएगा, मोल निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, मोलैरिटी में वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो वॉल्यूम 200 ml दे रखा है, तो लीटर में वॉल्यूम कितना हो जाएगा अपना, 200 डिवाइडेड बाय 1000, तो 200 में 1000 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 लीटर हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 1/5 लीटर है, इसलिए NaOH के जो नंबर ऑफ मोल्स है, NaOH के जो नंबर ऑफ मोल्स, NaOH मोल्स अगर देखें तो ये कितना है, मोलैरिटी, मोलैरिटी तो हो गया 3 और वॉल्यूम हो गया 1/5, तो ये जाएगा 3/5 और 3/5 को अगर देखें तो ये जाता है 0.6 मोल्स, ये कितना हो गया, 0.6 मोल्स हो गया। अब मोल में अमाउंट आ गई, अगर हमें ग्राम में निकालना है, हमें पता है कि देखो जो मोल होता है, मोल क्या होता है, ग्राम में अमाउंट डिवाइडेड बाय क्या होता है, मोलर मास होता है ना, मोलर मास होता है। अगर ग्राम अमाउंट में, ग्राम वेट जो होता है, गिवन वेट जो होता है, उसमें जब मोलर मास का डिवाइड करते हैं तो मोल्स आता है। तो यहां से अगर हमें वेट निकालना है, गिवन वेट, तो हम क्या करेंगे, जो मोल होगा उस मोल में हम क्या करेंगे, मोलर मास का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, मोलर मास का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वेट कितना जाएगा यहां से, मोल्स कितने अपने 0.6 है, मोलर मास NaOH का कितना होता है 40 ग्राम, मैंने पहले भी बताया, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम वेट जो है NaOH का 0.6 का 40 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 24 ग्राम। तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन में NaOH कितना हो जाएगा, 24 ग्राम हो जाएगा। आई बात समझ में, तो 24 ग्राम NaOH इस सॉल्यूशन में मौजूद रहेगा, क्लियर है ये चीज। तो ये होता है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी में बेसिक क्वेश्चंस अपन इतना ही देखेंगे, और भी क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, डेंसिटी वगैरह दे रखी हो, लेकिन अभी फिलहाल अपन इतने ही ऐसे ही क्वेश्चन लेंगे क्योंकि इसी में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अभी अपन को थोड़ा बेसिक्स का नॉलेज होना चाहिए, मोलैरिटी मोलैलिटी का, ताकि अपन ये जो सॉल्यूशन मेन चैप्टर आगे उसमें इनका यूज कर सके। अब देखो जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी अपन पढ़ने वाले हैं वो है मोलैलिटी, मोलैलिटी नेक्स्ट टर्म पढ़ने वाले, मोलैलिटी, इसको स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं मोललता, ठीक है,
मोलैलिटी होती है, हिंदी में इसको मोलैलता बोलते हैं, स्मॉल एफ से इंडिकेट किया जाता है। अब देखो जैसे मोलैरिटी थी मोल पर लीटर, लेकिन ये होती है मोल पर केजी। नीचे क्या होता है, केजी आता है, ऊपर आता है मोल। ऊपर देखो मोल जो आता है वो तो आता है सॉल्यूट का, मोल तो आता है सॉल्यूट का, लेकिन नीचे जो केजी आता है ये सॉल्यूशन का ना आके ये एक ही ऐसी क्वांटिटी है जिसमें ये सॉल्वेंट का आता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये सॉल्यूशन का ना आके किसका आता है, यहाँ पे सॉल्वेंट का आता है। ये बात ध्यान में रखना, ये बात ध्यान में रखना यहाँ पे कि ये जो सॉल्यूशन है वो ना होके सॉल्वेंट है, यहाँ पे नॉट सॉल्यूशन। तो नीचे डिवाइड किसका करते हैं, केजी का हम डिवाइड करते हैं, किसमें सॉल्वेंट का डिवाइड करते हैं ना कि सॉल्यूशन का। ऊपर मोल रहते हैं सॉल्यूट के, नीचे केजी रहता है सॉल्वेंट का ना कि सॉल्यूशन का। इसके अलावा जितने भी टर्मिनोलॉजी हमने सीखी, चाहे परसेंटेज वेट लिया, मोल फ्रैक्शन लिया, जितना भी हमने कंसंट्रेशन टर्म्स लिया या सीखा, उन सभी में नीचे डिवाइड किसका कर रहे थे, सॉल्यूशन की अमाउंट का डिवाइड कर रहे थे। लेकिन केवल एकमात्र यही एक क्वांटिटी है जिसका यूज हम, जिसमें हम सॉल्वेंट का यूज करते हैं डिवाइड करने में, ये चीज ध्यान रखें। तो अब देखो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोलालिटी एम हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर तो आ जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसमें डिवाइड कर देंगे हम मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट का डिवाइड कर देंगे। और सॉल्वेंट का मास भी किसमें होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। जैसे पिछला जो टर्म हम पढ़े मोलैरिटी, मोलैरिटी में हमने लिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वो वॉल्यूम किसका होना चाहिए, वो वॉल्यूम जो है किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। लीटर में नहीं होगा तो गड़बड़ जाएगा, अगर आप ml में सीधा रखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा आपका। तो आपको वहां पे वॉल्यूम जो रखना है सॉल्यूशन का वो लीटर में रखना है। और यहाँ पे अगर आपको मोलैलिटी निकालना है तो मोलैलिटी में जो वॉल्यूम रखोगे नीचे वो सॉरी मास रखोगे वो सॉल्वेंट का रखोगे एक तो, और दूसरी बात वो केजी में रखना है, ग्राम में या ऐसे नहीं रखना, केवल केजी यूनिट वाली में ही रखना है आपको सॉल्वेंट का मास, तो ही आपका सही आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और हिंदी में भी लिख लेंगे, हिंदी में हो जाएगा विलेय के मोल, ऊपर तो आ जाएगा विलेय के मोल, विलेय के मोल, नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय विलायक का भार, विलायक का भार। और ये विलायक का भार भी किस में होगा, ये केजी में हो जाएगा, ठीक है, केजी में ये भार लेंगे हम। विलायक का भार किस में होगा, केजी में होगा, विलेय के मोल ऊपर रहेगा, नीचे केजी में विलायक का भार रहेगा, ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरह से अपन ये सब सीखते हैं, क्लियर है, आगे बढ़े। तो ये हमें ध्यान में रखना है मोलैलिटी का फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से और ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन है कि इफ इफ 120 ग्राम NaOH इज एडेड इनटू मान लो कोई 500 ग्राम वाटर कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। हमने यहां पे क्या किया है, 120 ग्राम NaOH को किसमें मिला दिया, 500 ग्राम पानी में मिलाया है। अगर 120 ग्राम NaOH को 500 ग्राम पानी में मिलाते हैं तो उस सॉल्यूशन का मोलैलिटी क्या होगा, हिंदी में भी लिख देता हूं फटाफट निकाल लीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है मैंने, यदि 100, हाँ जितेंद्र सही बिल्कुल, वैभव 60 नहीं होगा, यदि 120 ग्राम NaOH को 500 ग्राम पानी में मिलाया जाए
तो मोललता ज्ञात करो, 500 ग्राम पानी में मिलाया जाए तो उसकी मोलैलिटी क्या होगी, ये हमें पता लगाना है, ये सवाल है। तो वही ऊपर तो मोल आ जाएगा सॉल्यूट के, ठीक है। सॉल्यूशन देखो इसका कैसे करेंगे, ऊपर तो आ जाएगा मोल्स, तो मोल निकालने हैं, मोल्स किसके निकालने हैं, सॉल्यूट के यानी कि NaOH के। गिवन वेट कितना है, 120 है, मोलर मास कितना होता है, 40 होता है, तो 3 मोल आ जाएंगे NaOH के। अब हमें नीचे चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट देखो कितना दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट इस बार हमें ये दे रखा है ना 500 ग्राम वाटर, तो सीधा हमें सॉल्वेंट का ही मास दे रखा है 500 ग्राम, तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा, 500 ग्राम दे रखा है, तो ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 1000, 500 में हम क्या करेंगे 1000 का डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 kg, ये आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि 500 ग्राम हम सीधा यूज नहीं करेंगे, नीचे जो वेट है सॉल्वेंट का, मास है सॉल्वेंट का, वो किस में रखना है, वो केजी में रखना है, ठीक है। डाउट है किसी को, तो सॉल्वेंट का मास रखना है। अब देखो मोलैलिटी जो आएगी, मोलैलिटी स्मॉल m, इसकी वैल्यू आ जाएगी मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 3, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, आधा किलो है, हाफ केजी है क्योंकि 500 ग्राम लिया, तो ये कितना हो जाएगा 6 मोलर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा इस केस में क्वेश्चन का। आई बात समझ में, दिस इज आवर आंसर इन दिस क्वेश्चन। मैं और लेता हूं थोड़ा सा, इसमें वैरायटी लेता हूं, कुछ इसको इसी क्वेश्चन में एक वैरायटी ऐड कर लेता हूं। इफ क्वेश्चन है, इफ 100 ग्राम NaOH is added in water to prepare 400 ग्राम या फिर लेते 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट molality of solution। ये सवाल देखो करते हैं कि अगर मान लो 100 ग्राम NaOH को हम वाटर में मिला के 500 ग्राम विलयन तैयार करते हैं, अब इस बार देखो 500 ग्राम जो है वो सॉल्वेंट का मास नहीं दे रखा, वो सॉल्यूशन का मास दे रखा है, तो यहां पे आपको थोड़ा सा सोच के करना पड़ेगा ये सवाल। हिंदी में लिख देता हूं, यदि 100 ग्राम NaOH को पानी में मिलाकर, पानी में मिलाकर 500 ग्राम विलयन तैयार किया जाता है, तो मोललता ज्ञात करो। देखते हैं, नहीं थोड़ा ध्यान से समझना इसको, देखो सॉल्यूशन इसका, पहली बात तो मोल्स कितने आ गए सॉल्वेंट के, सॉल्यूट के मोल्स कितने आ गए, ये आ गया 100/40, अपना सॉल्यूट कितना है 100 ग्राम है, तो 100/40 कर दिया, तो ये आ गया मोल्स, यानी कि 10/4, यानी कि मैं इसको ले लेता हूँ 5/2, 5/2 आ गए हमारे किसके, मोल्स आ गए सॉल्यूट के। अब देखो मास अगर देखूं मैं सॉल्वेंट का, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मास कितना है, ये 500 ग्राम किसका है, सॉल्यूशन का मास है, तो सॉल्यूशन के मास में से हम क्या करेंगे, सॉल्यूट का मास घटाएंगे, तभी तो हमारे पास सॉल्वेंट का मास आएगा, तो ये आएगा 400 ग्राम, और 400 ग्राम को अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4/10,
यानी कि 2/5 आ जाएगा हमारा क्या मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें केजी में आ जाएगा। तो ये आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में कितना 2/5 केजी। अब मोलैलिटी निकालनी है तो मोलैलिटी के लिए क्या करेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो कितना है 5/2 और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 400 ग्राम। 400 ग्राम क्या हो गया 2/5 तो ये हो जाएगा 2/5 तो 5 ऊपर चला जाएगा तो 25/4 और 25 पे 4 का डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 6.25 मोलर। तो ये आ जाएगा 6.25 मोलालिटी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है तो आंसर आएगा 6.25 ये चीज ध्यान में रखें। तो ये थोड़े थोड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं मोलालिटी के मोलालिटी के जो एक बार हमने रिवाइज किया है और इसमें देखो क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत जबरदस्त बनती है। मोलैरिटी दे रखी हो मोलैरिटी निकालना हो डेंसिटी दे रखा हो और उससे फिर मोलैरिटी निकालना हो तो बहुत तरह की वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि अपन को थोड़ा बेसिक नॉलेज ही काम में लेना है 12th क्लास में तो इसलिए मैं इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में जितना 11th क्लास में पढ़ सकते थे उतना ना लेके केवल एक बेसिक आइडिया ही ले रहा हूँ ताकि अपन हमारा जो 12th क्लास में जो भी जितने भी चैप्टर में जहाँ पे ये कंसंट्रेशन टर्म्स यूज होने वाली है वो हम प्रॉपर तरीके से यूज कर पाए वहां पे हमें किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं आज की क्लास का टाइम हो चुका है। यहाँ से आगे अपन नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे आज के लिए इतना ही। आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा समझ में आ गया होगा सब कुछ। ठीक है आज के लिए इतना ही।